सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा यमुनानगर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में टिकटों का वितरण अच्छे से करती है तो हरियाणा में कांग्रेस की बहुत अच्छी सरकार बनेगी। कुमारी शैलजा ने बीजेपी के उस बयान पर भी पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें लोगों को भ्रमित और दुष्प्रचार करके जीती थी। उस पर उन्होंने कहा कि झूठा और दुष्प्रचार करने में बीजेपी मास्टर है। कुमारी शैलजा ने सरपंचों को मिली नई सौगात पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। टिकट वितरण सही होगा तो हम बहुत अच्छे से, जो लोगों का रुझान नज़र आता है, बहुत अच्छे से हम सरकार बना पाएंगे और बनानी चाहिए। हमारा प्रयास होगा कि हम महिलाओं को, यूथ को, कुछ नए चेहरे हों, कुछ अनुभवी चेहरे हों, और उसके अलावा भी सारे समीकरण देखने चाहिए कि जातीय समीकरण भी हों, जो समुदाय के समीकरण हैं वो भी हों, तो हर तरह से एक संतुलन बनाकर, बैलेंस बनाकर हम टिकटों का वितरण करें, जीतने वाले लोग हों, तो इसकी ओर सब लोग सहयोग दें और अच्छा वितरण हो ताकि हरियाणा को हम अच्छी सरकार दे सकें। तो दुष्प्रचार के और ये झूठ शब्द जो भी, वैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर है तो इसके माहिर तो भारतीय जनता पार्टी है, इसके मास्टर हैं वो इस प्रकार के दुष्प्रचार के, और ये एक बार नहीं, बार बार हमने देखा है और साबित हुआ। देखिए, ये हर जगह मुख्यमंत्री के अपने ज़िले में, अपने शहर में क्या हो रहा, वो भी वर्दी पर। तो अगर डर भय नहीं रहेगा, ये एक भय का ही होता है कि कोई गलत काम करे तो हमारी एजेंसी, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसियाँ हैं वो सख्ती बरतेंगी, लेकिन अगर उनके ऊपर ऐसा होगा तो आम नागरिक कैसे रक्षा हो पाएगी। हर शहर में हो रहा है, चाहे आप फरीदाबाद ले लो, चाहे आप हिसार ले लो, कैसे सरेआम फिरौती मांगते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं। तो ये क्या कारण है कि यहाँ पर इस तरह के लोग बिल्कुल निडर होकर घूम रहे हैं? ना सरकार का कोई डर है, ना प्रशासन का कोई डर है, तो ये कमज़ोरी तो प्रदेश की है, सरकार की है, आम नागरिक को कैसे सुरक्षा मिलेगी? पहले तो लाठियां बरसाई, अब कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले उनको कुछ इस तरह का लॉलीपॉप दें। ये तो लॉलीपॉप है, लाठियां बरसाई पहले, लहूलुहान किया, अब कह रहे हैं एसपी के साथ बैठो। देखो, जो उनके साथ किया है आपने, और इतने दिन उनको ऐसे जैसे तो वो कोई अपराधी हैं, जिस तरह से आपने उनको ट्रीट किया, सरपंचों को, अब लॉलीपॉप दे दो।